धूप है, छांव है, जलते तेरे पांव हैं, धारा के विपरीत बहती तेरी नाव है। जिसने मुझको भूख दी वो मेरा भगवान है, लेकिन जिसने मेरी भूख मिटाई वो मेरे देश का किसान है। राम राम सा, नमस्कार, खम्मा गणी, स्वागत है आपका राम राम सा के इस 200वें एपिसोड में। जी हाँ, आप लोगों के स्नेह, प्यार और आशीर्वाद की बदौलत हम इस साप्ताहिक कार्यक्रम के 200वें एपिसोड के महत्वपूर्ण माइलस्टोन को छूने में सफल हुए हैं। आइए पहले दिखाते हैं पिछले 4 वर्षों के सफर की एक छोटी सी झलक। 25 मई 2015 को शुरू हुआ किसानों की आधुनिक कृषि चौपाल का एक ऐसा सफर जिसे हर कदम पर किसानों और कृषि विशेषज्ञों का भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिलता रहा। कार्यक्रम पूर्णतः किसानों को समर्पित है। उनकी खेती हमारे राजस्थान में सभी जिलों में की जा सकती है क्या? समस्या समाधान और सुझावों को लेकर लोग जुड़ते गए और किसानों को समर्पित ये कार्यक्रम लोकप्रियता के नए आयाम गढ़ता गया। 4 साल पहले राम राम सा नाम के छोटे से पौधे को खेत खलियान से उठते सवालों और कृषि विशेषज्ञों के अनुभव ने सींच कर जानकारियों का एक विशाल वृक्ष बना दिया है। अपने शुरुआती सफर में राजस्थान के अलग अलग गांवों और कस्बों में अलग अलग कृषि विषयों पर ग्राम चौपालों और किसान गोष्ठियों के माध्यम से कृषि विशेषज्ञों और किसानों के बीच संवाद स्थापित किए गए। अनूठी शैली और बेहतर प्रस्तुति की वजह से राम राम सा इतना व्यवहारिक बन गया कि राजस्थान से बाहर के किसान भी लगातार इससे जुड़ गए। किसानों की मांग को देखते हुए एवन टीवी ने कार्यक्रम को लाइव फोनिंग करने का फैसला किया। राम राम सा, राम राम सा जी। जी साहब, मैं बांगनवाड़ा से दशरथ सिंह बोल रहा हूँ। जब इस कार्यक्रम को लाइव फोन इन किया गया तो ये कार्यक्रम केवल राजस्थान का न रहकर पूरे देश का हो गया। राजस्थान के बाहर के हर राज्य से किसान कार्यक्रम से जुड़ने लगे। अब राम राम सा एक अभिवादन का संबोधन ना रहकर खेती में नवाचार और प्रेरणा का मानक बन गया। राम राम सा के मंच पर कामयाबी के कई ऐसे दुर्लभ किस्से सामने आए जो हर भारतीय को गर्व का एहसास कराते हैं। राम राम सा की इस उपलब्धि और कामयाबी में महिला किसानों की भागीदारी भी बहुत सराहनीय रही। आज सभी के सहयोग से हम 200वें एपिसोड तक पहुंच चुके हैं जो कि महज एक पड़ाव है। राम राम सा का सफर आपके साथ और सहयोग से आगे भी जारी रहेगा। फोन लाइन पर मौजूद है। जी राम राम सा, आज के 4 साल पहले राम राम सा एक कार्यक्रम शुरू किया था। जोधपुर में कृषि विश्वविद्यालय में इसकी शुरुआत हुई। उस वक्त ये कार्यक्रम ऑडिटोरियम में किया गया था, खुले में जाकर किया गया था। अब ये कार्यक्रम स्टूडियो में हो रहा है। इसने कई स्वरूप बदले, लेकिन इसकी प्रासंगिकता, इसकी उपादेयता किसानों के लिए ही नहीं बल्कि घरों में बागवानी करने वाले लोगों के लिए, हाउस होल्ड के लिए, अचीवर्स के लिए और जिन्होंने नए नए प्रयोग किए हैं, नवाचार किए हैं, उन सब के लिए एक मंच के रूप में ये सामने आया है और ऐसा करने की इच्छा रखने वालों के लिए एक प्रेरणादायक बिंदु, प्रेरणादायक अवसर के रूप में ये सामने आया है। जमीन से जुड़े सवालों, जमीन से जुड़े लोगों, जमीन से जुड़े मुद्दों को लेकर अब तक बात की 200 एपिसोड पूरे हो गए। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है और इसके लिए मैं राम राम सर की पूरी टीम को बधाई देता हूँ। सुनील दत्त शर्मा, जिनकी योजना थी, जिन्होंने शुरू किया, जो इसके एंकर हैं, वो ही नहीं बल्कि पूरी टीम बधाई की पात्र है। और चैनल को हम जनता के करीब ले जा पाए, जनता के घर ले जा पाए, जनता के साथ उसकी जिंदगी का हिस्सा बन पाए, इसके लिए इस अवसर पर, 200 एपिसोड के अवसर पर मैं न केवल खुशी का इजहार करना चाहता हूँ बल्कि विश्वास दिलाना चाहता हूँ अपने दर्शकों को कि एवन टीवी यही नहीं बल्कि निरंतर बहुत सारे कार्यक्रमों के जरिए आपकी जिंदगी का हिस्सा बनेगा, बनता रहेगा और आप उसके साथ इसी तरह जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, राम राम सा के सभी दर्शकों को इतने सारे प्यार, आशीर्वाद और सहयोग के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। इस कार्यक्रम में हम आपको कई किसानों से मिला चुके हैं, लेकिन आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक फॉरेन रिटर्न किसान से। जी हाँ, चौंकिएगा नहीं, अगर फॉरेन रिटर्न डॉक्टर हो सकता है, फॉरेन रिटर्न इंजीनियर हो सकता है, तो किसान क्यों नहीं हो सकता।
इन सब पे चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन आइए पहले स्वागत करते हैं नवदीप गोलेचा का। नवदीप जी, सबसे पहले तो आपका अभिनंदन स्टूडियो में और टीवी पर बैठे हमारे राम राम सा के सभी दर्शकों की तरफ से आपको प्यार भरा राम राम सा। नवदीप, आप ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद विदेश जाते हैं, यूके में जाकर पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद वहां आपको जॉब मिलता है, आप एक अच्छे बैंक में इन्वेस्टमेंट बैंकर के रूप में ज्वाइन करते हैं, अच्छी सैलरी है, सब कुछ बढ़िया है, फिर अचानक वापस राजस्थान क्यों आते हैं और राजस्थान में आने के बाद खेती क्यों करते हैं? जब वहाँ पे सब कुछ सही चल रहा था जी, तो अपन लोगों का जैसा कल्चर है तो एक वो फैमिली वैल्यूज बहुत ज्यादा रहती है जी। तो जब परिवार से एक बार बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि यार अब वापस आ जाना चाहिए, काफी टाइम हो गया है। और एक बार जब उन्होंने बोल दिया तो अपने लिए तो कोई मतलब वो सेकंड थॉट वाली भी बात नहीं है जी। अपन तो बस वहीं से मैं पैकअप करके इंडिया वापस आ गया। ठीक है। अब इंडिया वापस आने के बाद इतनी एजुकेशन लेने और एक्सपीरियंस लेने के बाद यूं लग रहा था कि अब मुझे खुद का करना है जी, वरना फैमिली बिजनेस तो हमेशा एक ऑप्शन नहीं है। तो मैं अपना जीरो से स्टार्ट करके कुछ करना चाहता था और तभी मैं 3-4 इंडस्ट्री पे काम कर रहा था और तभी मेरे के ध्यान में ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का भी ऑप्शन आया जी। तो ये जो ज़मीन जिस पे मैं खेती कर रहा हूँ, इस पे मैं सबसे पहले इस ज़मीन को डेवलप करके अच्छे फार्म हाउसेस बना के बेचना चाहता था। बट जब मैंने इसको डेवलप करना चालू किया, इस पे फार्मिंग चालू की, तब मुझे इतना मज़ा आने लगा कि यार यही फील्ड है जो मुझे करना है और इसी फील्ड पे को मैं अपना 100% दे पाऊंगा। जिस समय पर इस ग्लैमरस युग में जहां लोग अपने नाम के आगे डॉक्टर, इंजीनियर और पता नहीं क्या क्या लगाना चाहते हैं, इंस्पेक्टर, विंग कमांडर, उस समय आपने अपने नाम के आगे किसान लगाने की सोची, क्या थॉट था उस समय मन में? थॉट मतलब आप देखिए, किसान मुझे लगता है उनके जैसा काम तो कौन कर रहा है जो सबकी सबकी पेट भरने का काम कर रहा है। और एक बहुत ही अलग मिथ है जो किसान की जो छवि बनी हुई है कि हाँ गरीब सा होगा या अनडेवलप्ड एरिया में रहता होगा या लिटरेट होगा जी। तो एक बहुत बड़ी मिथ है जिसको तोड़ने की जरूरत है। आज भी जब मैं जाके किसी को कहता हूँ कि हाँ मैं खेती बाड़ी कर रहा हूँ या मैं किसानी कर रहा हूँ, तो कहते हैं कि नहीं नहीं लगते नहीं हो। मैं उनका लगते नहीं हो मतलब किसान की कोई परिभाषा है जो आप बता सकते हैं कि वो दिखने में कैसा होगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये चीज बदलने के लिए हमको मैं कोशिश कर रहा हूँ। जब आपका फैसला था कि मुझे खेती में ही कुछ करना है, मुझे कृषि करनी है, मुझे किसान बनना है या मुझे खेतों में अपने जो बंजर पड़े खेत हैं जहां पर कि कुछ नहीं उगता वहां मुझे रसीले फल लगाने हैं, उस समय आपके घर वालों का क्या रेस्पॉन्स था? देखिए मतलब जैसा पिछले काफी सालों से चल रहा है, हर कोई एग्रीकल्चर छोड़ के दूसरी इंडस्ट्री में जा रहा है। एग्जैक्टली। और जब मैंने उल्टा आना चाहा तो सबके लिए थोड़ा शॉकिंग था कि जब आप इतना पढ़ लिख चुके हो, आपके घर में अच्छे से बिजनेस चल रहा है, तो फिर आपको ये स्ट्रगल वाली लाइफ करने की क्या जरूरत है जी? क्यों अपने घर से 200 किलोमीटर दूर जाके वहां पे आपको धूप में बैठने की जरूरत है? बट घर वालों का हमेशा एक चीज यही था कि काम आपको वही करना चाहिए जिसमें आपका मन लगे जी। और उनको लगा कि जब मैं इसमें अपना पूरा डेडिकेशन दे रहा हूं, तो उनका ये कहना था कि रिश्तेदार क्या बोलते हैं या दोस्त क्या बोलते हैं उनसे फर्क नहीं पड़ता, तुम ऐसा काम करो कि तुम्हारे काम बोलना चाहिए कि तुमने एक सही लाइन चुनी है। बस उसी के साथ में आगे बढ़ता गया। जिस जगह आपकी जमीन है सिरोही के आसपास, जिस जगह आपकी जमीन है वहां के आसपास में कोई खेती उस समय नहीं थी, तो आसपास के जब किसान आए होंगे, जब आपने जाकर वहां सर्वे शुरू किया होगा या सोचा होगा कि मैं यहाँ कुछ उगाऊंगा, तो उन किसानों का क्या रिस्पॉन्स था, क्या बोल रहे थे उस समय? जब मैंने वहां जाके देखा और उनसे जब मैं चर्चा करता था, तो वो कहता था कि अब खेती कर रहा हूं तो मैं ही कर रहा हूं, मेरे बेटे तो चले गए जी। मतलब इसी तरीके से नेक्स्ट जनरेशन ऑलमोस्ट जा चुकी थी उन गांवों से जी। उनको लगता था कि यहाँ पे तो अब रोटी के भी मतलब कोई ढंग की स्टेबल कमाई नहीं है। और आजकल जैसा जमाना हो गया है, हम लोगों की लाइफस्टाइल भी चेंज हो रही है, खर्चे भी बढ़ते जा रहे हैं, तो उनको ये लगता था खेती से कहीं ज्यादा स्कोप शहर की तरफ है। तो नेक्स्ट जनरेशन वहां पे जा रही थी, और जब मैं वहां गया और मैंने कहा कि मैं भी खेती करना चाहता हूं, तो पहले तो हंसी उड़ाते थे कि यार तुम कहां कर पाओगे यहां पे आगे खेती बाड़ी, एक पढ़ा लिखा लड़का है कि नहीं, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। उनको ये लगता है कि चलो इनकी जमीन पड़ी है, किसी को किराए पे दे देंगे और बस वही वैसे ही किसान हो जाएंगे जी। बट जब उनको लगा कि नहीं मैं खुद वहां पे रह के ये सब करवा रहा हूं, तब उन्होंने देखा कि मैं क्या कर रहा हूं, तो वो और वो आके सजेशन भी देते थे कि यार ये फल वल के चक्कर में मत पड़ो, अनार अपने यहाँ नहीं होती, अनार तो खाली नासिक में होती है या महाराष्ट्र में होती है, ये अपने एरिया का फ्रूट नहीं है। आपको अगर करना ही है तो गेहूं कर लो, अरंडी कर लो, सौंफ कर लो, जो अपने एरिया में आसानी से हो जाता है। और मैं उनको यही कह रहा था कि यही चीज तो मुझे नहीं करनी है,
अगर मैं भी यही चीज कर दूंगा तो मेरा इसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा, मैं इस चीज को मॉडर्न कैसे बनाऊंगा या कैसे आगे ले जाऊंगा। जी हाँ। तो फिर जब मैंने अनार की खेती करना वहां चालू किया तभी गांव में मजाक उड़ती थी कि चलो देखो ये तो आके यहाँ पे अपने पैसे उड़ा के चले जाएंगे, क्योंकि अपने एरिया में तो अनार होती नहीं, अनार के पौधे भली लगा दिए इन्होंने खर्चा करके, लेकिन अनार पे फूल थोड़ा आएंगे, अनार के पौधे बड़े थोड़ा होंगे। जब उन्होंने देखा 1.5-2 साल में पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी रही, पौधे पे फूल भी बहुत आने लगे, तो उन्होंने कहा फूल भली आ गए हो, ये कोई फल में कन्वर्ट थोड़ा होंगे जी, अपना तो हवा पानी इसको सपोर्ट नहीं करता। फिर देखा कि उन्होंने बहुत अच्छी क्वालिटी के फल भी निकल गए, तो उसके बाद कहने लगे अरे तुमने उगा तो लिए बट अब इतने सारे अनार बेचोगे कहाँ पे, अपने गांव में तो बिक नहीं पाएंगे। और फिर जब उन्होंने देखा कि खेत से ही लोग वो अनार के ट्रक ले जा रहे थे, तब उसके बाद उनको लगा कि नहीं यहाँ पे हो सकता है, और उसके बाद आके उन्होंने पूछा कि हम भी कैसे कर सकते हैं। तो एक मेंटेलिटी की यहाँ पे अगर अपन समझे जी, तो किसान देख के प्रेरित हो रहा है। तो जिस समय मरुधरा में आपने अनार का लाल सुर्ख रंग बिखेरा, मतलब कि जब आपके अनार उग गए, जब आपके अनार जाने लगे, उस समय पर वो सब किसान क्या बोल रहे थे? तभी तब वो वाहवाही कर रहे थे कि हाँ बेटा अब तुमने कुछ अच्छा काम किया, और अब हो सकता है कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन यहाँ पे रह के जुड़ सके, साथ में मिलके काम कर सके। जी हाँ, राम राम सा में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम जानेंगे कि किस तरह से नवदीप ने अपने बंजर जमीन को उपजाऊ जमीन में बदला, किस प्रकार से वहां उन्होंने फलों की खेती की, किस प्रकार से रसीले फल उन्होंने मरुधरा में लगाए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके इस खास कार्यक्रम राम राम सामी। ब्रेक पर जाने से पहले हमने जाना कि किस प्रकार नवदीप विदेश से लौटकर वापस राजस्थान आए और राजस्थान में उन्होंने खेती करना शुरू किया। नवदीप, कितनी जमीन थी और कितनी जमीन पर आपने काम करना शुरू किया? जी, वैसे जो पेरेंटल लैंड था वो टोटल तो यहाँ 150 एकड़ है जी, जिसमें से मैंने शुरुआत 30 एकड़ से की है जी। और अभी जैसे मेरे पास अनार है और नींबू है, और अभी मैं जून के अंदर नींबू, पपीता और सीताफल भी लगाने वाला हूँ। तो जो मैं प्लान कर रहा हूँ कि इस पूरी जमीन के अंदर अलग अलग टाइप के आपको फ्रूट के बागान दिखेंगे जी, ताकि ये भी मिथ टूटे कि राजस्थान में फलों की खेती नहीं हो सकती, या अगर करनी भी हो तो मॉडर्न तरीके से कैसे उसे किया जा सकता है जी। तो इसको मैं एक ऐसे मॉडर्न एग्रीकल्चर फार्म डेवलप कर रहा हूँ। आपने जब सोचा कि मैं खेती करने जाऊंगा, उस समय तो सब कुछ नया था आपके लिए, आप अनार की खेती भी कर सकते थे, कोई और दूसरा कोई आइडिया देता वो भी कर सकते थे, आपने फलों के बारे में ही क्यों सोचा? जी, मुझे ये था कि मैं खेती वही करना चाहता था जो थोड़ी सी टेक्निकल हो, थोड़ी सी मुश्किल लगे जी। और फलों के अंदर जब भी हम, जैसे अगर हम अपने 2022 के टारगेट की भी बात करते हैं कि हमें किसानों की आय को दुगना करना है जी, तो बिना हॉर्टिकल्चर को इसमें इंक्लूड किए वो करना मुश्किल रहेगा जी। तो फलों की खेती में कमर्शियल वैल्यू उनकी अच्छी है, उनके प्रोसेसिंग के ऑप्शन ज्यादा है, तो इसलिए मैंने फ्रूट्स को सेलेक्ट किया था। कुल कितने पेड़ आपके इस समय पर? अभी मेरे पास अनार में 12,000 भगवा सिंदूरी के पौधे, 500 पौधे मैंने वंडरफुल वैरायटी के लगाए हुए हैं उसके अंदर। तो क्या सेल इसकी कैसे करते हैं, कहाँ तक मार्केटिंग आप इसकी कैसे करते हैं? जी, मार्केटिंग का तो ऐसा है कि अब तो ये खेत काफी पॉपुलर हो रखा है जी, तो काफी लोग खेत से ही लेके जाते हैं। और इसी साल हमको मार्च के अंदर अपेडा का अनार नेट का रजिस्ट्रेशन भी मिल गया जी, जो राजस्थान का पहला है, तो उससे अनार को हम डायरेक्ट एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे यूरोप और यूएस की कंट्रीज में भी। तो अभी हम जो भी क्वालिटी निकालते हैं, जो भी शेड्यूल भी फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें हम रेजिड्यू फ्री फ्रूट निकालते हैं। और अगर आपको यूरोप भी एक्सपोर्ट करना है तो रेजिड्यू फ्री सर्टिफिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है जी। तो हमारा फोकस एक्सपोर्ट के ऊपर है इस बार। तो एक्सपोर्ट करने के लिए क्या क्वालिटीज की जरूरत होती है कि जिसके कारण कि राजस्थान में अभी तक किसी ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, ऐसा क्या कारण है? जी, अभी तक पॉपुलर ही नहीं था, मतलब किसान को जहां तक मुझे लगता है कि अभी तक शायद किसी ने सोचा ही नहीं था कि एक्सपोर्ट करे, और करे तो कितना मुश्किल होगा, क्या कॉम्प्लिकेशन होगी जी। प्रोसेस की जानकारी नहीं थी, तो इसी की वजह से किसी ने इस पे ध्यान ही नहीं दिया। अभी भी 90% या 95% जो ट्रेड हो रहा है उसके अंदर एक कोई मिडलमैन आदमी आता है आपके खेत के ऊपर जी, वो सारा माल आपसे खरीद लेता है और वो जाके आगे की मंडियों में बेच देता है। तो मुझे लगता है जितना बेचारा किसान नहीं कमा पा रहा उससे कई गुना ज्यादा तो उनको मिलता है। क्या टेक्निकली आप काफी साउंड है, किस तरीके से लोगों से संपर्क करते हैं, क्या आपने कुछ वेबसाइट्स वगैरह बनाई हुई है इसकी, क्या है? जी, सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव हूँ, मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब तीनों पे नेचुरा फार्म्स इंडिया के नाम से हम अवेलेबल हैं वहाँ पे, और जो भी लेटेस्ट चलता रहता है उसको हम रेगुलर अपडेट करते रहते हैं। कि आपने अभी तक सिर्फ 30 एकड़ में अपना काम शुरू किया है, 30 एकड़ में आपने प्लांट्स लगाए हैं, 30 एकड़ में आपने
पेड़ लगाए हैं जो कि फलों के हैं, बाकी बची हुई जमीन के लिए आपके क्या प्लान्स हैं? बाकी बची हुई जमीन में जैसे मैंने बताया, लाइक मैं इसको एक मॉडल एग्रीकल्चर फार्म के तौर पे डेवलप करना चाहता हूँ जी, जिसमें अभी अनार के अलावा भी मैं जुलाई के अंदर सीताफल, नींबू और पपीते का भी प्लांटेशन कर रहा हूँ जी। तो मैं यहाँ पे चाहूंगा कम से कम 10 से 12 तरह के अलग अलग टाइप के फ्रूट्स की फार्मिंग देखने को मिले, और यहाँ पे आके एक किसान आदमी सीख भी सके कि कैसे फलों की खेती की जा सकती है एक मॉडर्न तरीके से जी। आपने बताया कि आप कुछ और उसमें डेवलप करना चाहते हैं, मॉडर्न तरीके से खेती करना चाहते हैं। आपने जब किया तो क्या आपने कुछ एक्सपर्ट से सलाह ली, लोगों को बुलाया बाहर से, क्या किया और अभी कैसे करते हैं, क्योंकि आपको पुराना तजुर्बा तो खेती का कुछ था नहीं जी। अब जब खेती की बात आती है तो ना मेरे कोई परिवार में, ना रिश्तेदार में, ना कोई दोस्तों में, कोई भी खेती से नहीं जुड़ा था, तो जो भी था मुझे जीरो से स्टार्ट करना था जी। फिर थोड़ा बहुत जब इधर उधर मैं घूमने लगा तो पता चला कि यहाँ पे तो कहीं से भी कोई कॉन्क्रीट, मतलब कोई सही तरीके से राय मुझे नहीं मिल पा रही है जी। फिर मैं गया कृषि विभाग, एक हमेशा से लगता था पता नहीं वहां से क्या मिलेगा, बट वहां जाने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब वहां पे जो एक्सपर्ट बैठे हैं जी, उन्होंने मेरी हेल्प की, उन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया कि मैं इसको कैसे अप्रोच करूं, क्योंकि मुझे तो ये भी नहीं पता कि कल्टी क्या होती है, डिस्प्लाउ क्या होता है, मतलब मुझे तो खेती के खा की भी जानकारी नहीं थी। बट उनका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, केवीके से मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, टेक्निकल गाइडेंस मिली। फिर जब फलों की खेती की बात आती है तो जैसे मैं अगर अनार की बात करूं, तो अनार का पौधा अगर मैं आ जाता हूं तो पहला जो मेरा फ्रूट आएगा जी, वो 2 साल के बाद लेते हैं हम लोग पहली फ्रूटिंग जी। तो अब मुझे लोग कहते थे आपको 6 महीने, साल भर, 1.5 साल तक घूमना चाहिए खेतों में, एक्सपर्ट से मिलना चाहिए, किसानों से मिलना चाहिए और सीखना चाहिए कैसे करें, उसके बाद पौधा लगाइए। लेकिन अब मुझे लग तो गया ही था ये चीज मुझे करनी है जी। तो फिर मैंने एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट हायर किया और मेरा ये था कि उनकी कंसल्टेंसी में, उनके गाइडेंस में मैं खेती बाड़ी करता रहूंगा और 2 साल का टाइम है मेरे पास पहली फ्रूटिंग के लिए, उसी के साथ मैं भी सीख लूंगा जी। तो जो मेरी एजुकेशन थी, मास्टर्स जब मैंने किया जी, तो वो बहुत हेल्प करती है चीजों को इजीली ग्रास्प करने में। तो 2 साल के बाद मैं खुद ही उसको करने लग गया था। फिर भी आज भी मैं हमेशा एक टेक्निकल एडवाइजर रखता हूँ कि कभी भी कुछ भी अगर मुझसे कोई चूक हो रही हो तो एक मेरे पास बैकअप हमेशा रहे जो मुझे बता सके अगर मैं कहीं गलत जा रहा हूं तो। अगर आज की तारीख में बात करें, आपने 3 साल पहले शुरू किया था, 2016 में ये सब शुरू किया था, अगर टर्नओवर की बात करें कितना हो चुका होगा आप तक? जी, इस बार हमारे खेत का टर्नओवर हमने 70 लाख क्रॉस किया था जी। इस बार हमने 150 टन से ज्यादा अनार निकाली और अगले साल हम लोग उसी को 200 से 250 के बीच में टारगेट कर रहे हैं और उसके बाद दूसरे फलों का भी उत्पादन तब तक चालू हो जाएगा जी। तो क्या मतलब अगर हमारे किसानों को आपको टिप्स देना चाहें कि आपके जो फल हैं वो काफ़ी अच्छे, साइज अच्छी होती है, उनका वजन अच्छा होता है, किस तरीके से कर पाते हैं ये सब चीज़ें आप? देखिए, जैसे मैं अनार की बात करूं तो अनार का फल 20 रुपए में भी बिक रहा था जी, 70 में भी बिक रहा था और 90 में भी जा रहा था जी। पूरा इसमें गेम है आपकी क्या क्वालिटी का आपने फ्रूट प्रोड्यूस किया है जी। अब जैसे एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट में मिनिमम आपको 200 से 250 ग्राम का आपका फल होना चाहिए जिसका कलर साफ हो, उस पर काले धब्बे नहीं हो, उस पर कोई कांटे का निशान नहीं हो। मतलब वहां पे एक्सपोर्ट में ऐसा माल चलता है जो यूं लगता है जैसे फैक्ट्री से बन के आया हो, सब कुछ एक ही सरीके का जी। तो अगर हम क्वालिटी पे ध्यान दें तो ही हमको रेट मिल पाएंगे, वरना तो डोमेस्टिक मार्केट में भी हमको कुछ पैसा नहीं मिल पाएगा जी। अब जैसे फलों में क्वालिटी की बात आती है तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है साइज और कलर, और साइज और कलर के लिए। साइज किस तरीके से, आपने कहा कि उन्हें सब कुछ एक जैसे साइज वाले चाहिए होते हैं, तो कैसे किस तरह से तैयार करते हैं इस तरह? देखिए, साइज में ये रहता है कि अनार में जब फूलों की बात करें, अगर आपका सब कुछ सही रहा तो आपके पौधे पे बहुत फूल आ जाएंगे जी। वही फूल बाद में फ्रूट में कन्वर्ट होते हैं। अब अनार के पौधे की बात करें तो हम 5-6-7 फीट के पौधे से हम 20-25 किलो माल निकालते हैं जी, और जिसका अगर तना भी देखे तो उतना मोटा नहीं है, तो जो भी है उसको सारा जड़ों से लेना है और उसको फ्रूट में कन्वर्ट करना है जी। तो अब जड़ों से हम जो खाना दे रहे हैं, अगर वहां पे ऊपर अगर खाने वाले 200 फ्रूट है तो वो उनको कितना कितना खाना मिल पाएगा, और वही अगर 200 फल रखने की बजाय हम लोग 70-80 या 100 फल रखे हैं तो उनको ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा, उनको ज्यादा खाना मिलेगा, वो अच्छी साइज बना पाएंगे, वो अच्छी क्वालिटी दे पाएंगे। अच्छा, तो आप तय करते हैं कि मुझे इस प्लांट से सिर्फ इतने ही फ्रूट लेने हैं, बाकी नहीं लेने हैं? जी हाँ, बिल्कुल, हम तय करते हैं किस डाली से हमको लेना है, किस पेड़ पे कितने फूल रखने हैं। नवदीप, एक बार बीच में रोकना चाहूंगा, एक दर्शक है इस समय जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, आपसे बात करना चाहते हैं जी। राम राम सा। राम राम सा जी। बुरा राम मीणा दोसा से बोल रहा हूँ। बुरा राम जी, नमस्कार। नमस्कार। राम राम सा जी, बहुत बहुत आभार आपका, आपने फोन किया, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। मेरा सवाल नवदीप जी से ये है कि अगर उनके साथ अगर कोई जुड़ना चाहे किसान,
जी, उनको कोई जैसे कोई खेती के जो हमारे यहाँ खेती होती है वो उनको फसल उनको देना चाहे बेचने के लिए जी, तो कैसे हम लोग उनसे जुड़ सकते हैं? लीजिए नवदीप जी, जी बिल्कुल, लाइक जैसे मैंने बताया सोशल मीडिया पे तो मैं हुई और आप मुझे फोन भी कर सकते हैं, हम बिल्कुल इस बारे में मिलके बातचीत कर सकते हैं। आप लोग एक बार प्लीज खेत पे पधारे तो फेस टू फेस ये चीज हो पाएगी। जी हाँ, मतलब इसके ऑप्शंस खुले हैं आपके पास में कि अगर बाकी जो छोटे किसान हैं जो कि इतने बड़े पैमाने पर खेती नहीं कर सकते और बाकी चीज़ों को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते या बेच नहीं सकते, वो आपसे संपर्क करें तो आप उनकी मदद करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल 100%। ठीक है नवदीप, आपने बताया कि आप जो फल उगाते हैं वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, मतलब रसायन फ्री है, मतलब कि वो फल हैं जिसमें किसी तरह के केमिकल का यूज़ नहीं हुआ, तो ये आइडिया आपको कैसे आया? जी मैं बताऊं, जैसे अगर मैं अनार की बात करूं तो मेरे फल रेजिड्यू फ्री हैं। जी, रेजिड्यू फ्री खेती का मतलब ये होता है कि आप उन केमिकल्स का यूज करते हो जो फ्रूट के ऊपर, जब आपका फाइनल प्रोडक्शन होगा उस फ्रूट के ऊपर उसका कोई निशान नहीं होगा जी, उसके कोई भी इल इफेक्ट या उसके कोई भी बुरे लक्षण उसमें नहीं होंगे। जब हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो आप केमिकल वाला फ्रूट आप एक्सपोर्ट कर भी नहीं पाएंगे, आपको उसके लिए पहले लेबोरेटरी टेस्ट पास करना पड़ेगा जी। तो मैं अगर कोई यूज कर भी रहा हूं तो वैसा यूज कर रहा हूं जिसका फ्रूट पे या वो जो फ्रूट जो आदमी उस फ्रूट को खा रहा है उसकी सेहत पे कोई असर नहीं होगा। और जहां तक मेरे नींबू की बात है तो मेरे नींबू 100% नेचुरल है जी, और वो जमीन मतलब जमीन में जो ताकत है उसी से वो बढ़ रहे हैं, और इसीलिए मुझे लगा कि जब मेरी जमीन में नींबू का इतना अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है तो मैं इसको और क्यों ना बढ़ाऊं, तो इस बार मैं 5 एकड़ में नींबू और बढ़ा रहा हूं। कितने किसान आपसे आपके साथ जुड़े हुए हैं, कितने किसान हैं जिन्हें रोजगार मिल रहा है आपके इस खेत के कारण, आपके इस फॉर्म के कारण? जी अभी मेरे यहाँ पे 15 लोग परमानेंट काम करते हैं जी, बट जैसे ही जब कोई बड़ा काम आता है, जैसे मैंने बताया कि 12,500 पौधे हैं जी, और खेती में ये होता है कि अगर मुझे आज ही काम करवाना है तो मैं जितना जल्दी उसको सबको एक साथ पूरा कर पाऊंगा जी उतना फायदा है, तब कई बार 40 लोग 50 लोग भी एक साथ काम करते हैं, बट 15 लोग हमेशा रहते हैं और काफी लोग खेत पे आते हैं जो सीख के जाते हैं, या मैं भी काफी जगह जाता हूँ, मुझे भी काफी कुछ सीखने को मिलता है, तो इट्स गिव एंड टेक, मतलब कुछ आप सीखे कुछ मैं सीखूं। आपको कुछ दिन पहले महिंद्रा समृद्धि अवार्ड मिला है जिसमें स्मार्ट किसान या कृषि सम्राट किसान आपका अवार्ड आपको मिला है, कैसे पहुंचे वहां तक या वो लोग आप तक कैसे पहुंचे? जी महिंद्रा में ही हरि मुकेश जी हैं, उन्होंने मुझे अप्रोच किया था उसके लिए जी, वो खेत पे आए थे, उनको खेत बहुत पसंद आया और उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा भी कोई प्लेटफॉर्म होता है और आपको उसके लिए अप्लाई करना चाहिए जी, तो उसके बाद उनके नॉमिनेशन फॉर्म मैंने फिल किया था। और महिंद्रा का ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, मतलब पूरे इंडिया से जो भी टैलेंट है या जो भी किसान कुछ नया या कुछ अलग कर रहा है उसको वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाते हैं और पूरे इंडिया को पता चलता है कि कैसे कोई क्या कर रहा है जी। उसके बाद से मेरे यहाँ पे रोज 5-10 लोग आते हैं, देख के जाते हैं, मेरे पास 1000 फोन कॉल्स आते हैं और मतलब बहुत ही अच्छा लगता है कि हाँ मैं कुछ कर पा रहा हूँ उनके लिए, क्योंकि मैंने भी आखिर उन्हीं से तो सीखा है जी। हाँ, अगर 3 साल पहले आपने कोई और बिजनेस किया होता, अगर 3 साल पहले आपने कहीं और इन्वेस्टमेंट किया होता अपने टाइम का और अपने पैसे का, तो क्या आपको लगता है सिर्फ 3 साल में आपको इस तरह कोई अवार्ड मिल जाता, इस तरह से आप टीवी पर बैठे लोगों से बात कर रहे होते या जिस तरह से नेट पर आपकी स्टोरीज चल रही हैं वो सब हो पाता? जी मुझे अवार्ड्स वगैरह को तो पता नहीं, बट जो सेटिस्फेक्शन मुझे अभी मिलता है, जो काम करने में मजा आता है जी, वो शायद मुझे कोई और काम में नहीं मिल पाता। अभी मुझे लगता है हाँ मैं इस देश के लिए, इस कम्युनिटी के लिए कुछ तो कर पा रहा हूँ जितना मुझसे अनपन पड़े। जी हाँ, एक किसान की भूमिका आप पूरी निभा पा रहे हैं जी, और आपको लग रहा है कि आप अपने लोगों को अच्छा कुछ खाने को दे रहे हैं। जी बिल्कुल, उसी लाइन पे हम। आपसे बातचीत में आपने कई जगह बताया कि एग्रो टूरिज्म को भी आप डेवलप करना चाहते हैं। जी हाँ बिल्कुल, क्या प्लानिंग है उसके लिए? जी अभी मैं बताऊं, मतलब मैं कुछ टाइम पहले कोई छोटे बच्चे से बात कर रहा था जी, मतलब 3 साल की शायद उम्र होगी, तो 3 साल और भली 6-7 साल की भी बात करें तो अभी भी नहीं पता कि अगर वो या टमाटर खा रहे हैं या गाजर खा रहे हैं या कोई भी फ्रूट खा रहे हैं, उनको नहीं पता ये कहाँ से आया या कैसे उगता है या कैसे बनता है। आजकल के पेरेंट्स की भी बात करें तो अवेयरनेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि नहीं मिट्टी में मत खेलो या कीचड़ में मत जाओ, या वो मतलब धीरे धीरे अपनी धरती से दूर होते जा रहे हैं, एक बहुत ही सोफिस्टिकेशन एनवायरमेंट में जा रहे हैं। और शहर की मेट्रो लाइफ अपन देख ही रहे हैं कि आजकल तो मतलब घर वालों से ही बात करने का टाइम नहीं मिलता जी। तो अभी ये कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो रहा है एग्रो टूरिज्म का जी, जहां पे आप 2 दिन 4 दिन 5 दिन जाके एकदम शहरी लाइफ से दूर जी, एकदम गांव में जाके खेत में रहते हैं और देखते हैं कैसे हो रहा है।
मतलब गाय दूध कैसे दे रही है या किसान फल कैसे उगा रहा है या सब्जी कैसे उगा रहा है। नवदीप, एक मिनट में आपको रोकना चाहूंगा, आपकी इजाजत के साथ में एक दर्शक है इस समय जो कि फोन लाइन पर मौजूद है, बात करना चाहते हैं आपसे। जी राम राम साहब। राम राम साहब, राम राम साहब जी, मैं रामलाल जाट बोल रहा हूँ झालावाड़ से। जी रामलाल जी, बहुत बहुत आभार आपका, फोन किया आपने जी। और साहब आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी कहे कि मेरे भी है ना इसकी खेती अनार की जी, तो हम वैसे तो लोकल मंडी में बेचते थे, लेकिन आज बहुत अच्छा संवाद हो रहा है जी। आपने बहुत अच्छे मेहमान बुला रखे हैं। तो साहब मेरा प्रश्न ये है कि मैं भी है ना अनार को एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए कोई कानूनी प्रक्रिया क्या होती है, क्या क्या उसकी वो होती है फॉर्मेलिटीज जी, तो हमें अवगत करवाएं आप। नवदीप, जगा दिया लोगों को आपने, बताइए। नमस्ते रामलाल जी। रामलाल जी, अनार की जब एक्सपोर्ट की बात आती है तो पहली बात ये है कि आप कौन से देश में करना चाह रहे हैं। जैसे अगर आप दुबई, रशिया, मलेशिया, सिंगापुर, यहाँ अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको एक्सपोर्ट रिलेटेड लाइसेंस लेने पड़ेंगे, मतलब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो कोड होता है कंपनी बना के आप उसके थ्रू एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर आप यूरोप, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक तो आपको अपने कृषि विभाग में जाके अपेडा के अंडर में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और दूसरा एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेट होता है ग्लोबल गैप गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, एक वो सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा। वो सर्टिफिकेट दर्शाता है कि आपका जो फ्रूट है वो रेजिड्यू फ्री है, उसके अंदर कोई केमिकल का कंटेंट नहीं है। और दूसरा ट्रेसेबिलिटी, जब हमने अपना माल कहीं भेजा यूरोप में तो वो लोग ट्रेस कर सकते हैं कि ये अनार का फ्रूट किसके खेत से आया था जी। तो ये सर्टिफिकेशन, दो सर्टिफिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राम राम साहब, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे, कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए एवन टीवी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके इस खास कार्यक्रम राम राम सामे। नवदीप, क्या आपको नहीं लगता कि एक्सपोर्ट होने से पहले फ्रूट की इतनी जांच हो रही है और हमारे देश में हम लोग जहर से भुजे हुए फल खा रहे हैं, इसके लिए आपको नहीं लगता कुछ होना चाहिए, कोई कानून बनना चाहिए? जी बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अभी मैं बताऊँ, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे एक किसान आदमी क्या करता है कि उसके खेत में सपोज सफेद मच्छरों का अटैक हो गया जी, तो वो एक जाता है दवाई की दुकान पे और कहता है कि अरे भाई साहब बहुत ज्यादा अटैक हो गया और बहुत नुकसान हो रहा है, आप तो फटाफट मुझे कोई दवाई दो जी। अब जैसे एक कोई कंपनी है एक्स वाई जेड, उसने वहां पे डोजेज लिख रखा है 1.5 ml प्रति लीटर जी, वो दवाई की दुकान वाला उसको कहता है बहुत ज्यादा अटैक है, एक काम करो तुम 2.5 ml प्रति लीटर से इसको डाल देना, तुम्हारे मच्छर सारे हाथों हाथ मर जाएंगे। वो दवाई वहां से खरीदता है, वो खेत पे जाता है, वो कहता है अरे यार बहुत ज्यादा मच्छर है, एक काम कर, तू अपने आदमी को कहता है या वो खुद कि बहुत ज्यादा मच्छर, एक काम करो इसमें 3.5 ml डाल दो। अच्छा, तो अपने को और जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा और जल्दी मच्छर मर जाएंगे जी। और कई बार जिस आदमी को कहता है उसको लगता है बहुत ज्यादा मच्छर है यार, चलो मैं इसको 4 ml, 1.5 ml का जो डोजेज है वो टेक्निकली रिसर्च होने के बाद कंपनी ने डिसाइड किया है कि अगर आप इतना मारोगे तो ज्यादा नुकसान नहीं है जी, आपको नुकसान तो है लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं, ज्यादा नुकसान परमिटेबल, नुकसान तो है बट उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं उसके अंदर जी। बट थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी की वजह से हम लोग उसी 1.5 को हम 4 ml तक ले गए जी। और ये छोटा सा एग्जांपल, ये हर जगह हो रहा है। कई बार ये लगता है कि ज्यादा चीज डालने से फायदा मिलेगा, जरूरी नहीं है, उसके नुकसान ज्यादा है। और जहां तक हम ऑर्गेनिक खेती की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक खेती बहुत ही ज्यादा जरूरत है, लेकिन सबसे पहले उसकी ट्रेनिंग की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि मैं ऑर्गेनिक करूं नहीं करूं तो मेरी तरह एक छोटे से टुकड़े से शुरू कीजिए, अगर आपको लगता है रिजल्ट मिल रहा है तो धीरे 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 उसको बढ़ाते जाए, और रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो पता करें रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, ऐसा तो है नहीं कि कोई भी नहीं कर रहा। हाँ नवदीप, इन ऑर्गेनिक खेती के रिजल्ट्स मिलने में थोड़ा समय इसलिए भी लगता है क्योंकि हम हमारी जमीन को, हमारी भूमि को इतना ज्यादा प्रदूषित कर चुके हैं बहुत सारे केमिकल डाल डालकर कि उसे वापस प्योर होने में समय लगेगा। पर कहीं ना कहीं से ये शुरुआत हमें करनी होगी मानवीयता के नाते, इंसानियत के नाते, क्योंकि हम जो हमारे खेतों में उगा रहे हैं वो असल में हमसे लोग पोषण के लिए खरीद के लेके जाते हैं जबकि हम उन्हें जहर बेच रहे हैं। नवदीप, हमारी बात अधूरी रह गई थी एग्रो टूरिज्म के बारे में। जी हाँ, तो जैसे मैंने बताया वहाँ पे मैं आर्दस टाइप के फ्रूट भी लगा रहा हूँ, फिर मेरा एक छोटा सा डेयरी फार्म का भी प्रोजेक्ट है जी, फार्म पॉन्ड भी है, तो वहाँ पे हम लोग वही जो जिसको अर्दी लिविंग कहते हैं जी, वहीं पे छोटे कॉटेजेस बना के शहर के लोग वहाँ पे आके रहना पसंद करेंगे। तो वहाँ पे वो देखेंगे कैसे फ्रूट की खेती हो रही है, कैसे फलों की खेती हो रही है, या कैसे गाय से दूध दुआ जाता है, या कैसे उसका घी बनाया जाता है। तो ये एग्रीकल्चर एक्टिविटीज रहेगी। और उसके अलावा जैसे वहाँ का जो खाना भी बनेगा, वहीं पे हम छोटा सा और एक ऑर्गेनिक किचन गार्डन भी डेवलप कर रहे हैं, और एक छोटा सा वैली ऑफ फ्लावर्स का भी हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, जोधपुर के एक बहुत ही फेमस फूलों के बागवान हैं उनके साथ जी, तो हम लोग उस पर काम कर रहे हैं ताकि आदमी शहरी लाइफ से 2 दिन आके वहाँ पर आराम से रह सके।
आप कितना टाइम बिताते हैं अपने फार्म हाउस में? जी अभी मतलब ये रहता है कि अभी भी मेरे हफ्ते में 3 से 4 दिन वहाँ जाते हैं जी। उसके बाद मुझे घर का भी कुछ काम देखना पड़ता है तो वापस मुझे जोधपुर जाना पड़ता है उसके लिए। जी हाँ, और बाकी इन सब की मार्केटिंग वगैरह की भी, के लिए भी आपको काम? जी जी बिल्कुल, मेरा फिर ट्रैवल ज़्यादा रहता है, मतलब मैं कई खेतों पर जाता हूँ, जैसे अभी आज के बाद मैं यहाँ से दिल्ली जा रहा हूँ, फिर नागपुर, फिर शोलापुर, फिर पंडरपुर, यही देखने के लिए कि वहाँ के किसान कैसे क्या कर रहे हैं। जी हाँ, तो पिछले 3 साल में आप काफ़ी खेतों पर गए, खुद के खेत को तो आपने तैयार किया ही, बहुत सारी चीज़ें और सीखी आपने। अभी इस समय पर आपने एक महिंद्रा समृद्धि अवार्ड तो जीत लिया है, आगे का क्या है, आपको क्या लगता है कि आगे और कौन से अवार्ड की तरफ आपका निशाना है? जी मैंने कभी कोई अवार्ड के लिए निशाना नहीं लगाया था, मैंने कभी उसको टारगेट नहीं किया था, बस लोगों को काम पसंद आया, उनको लगा कुछ रिकग्निशन मिलना चाहिए। जी। वैसे मैं बताऊं, अवार्ड ठीक है वो अपनी जगह है, बट उनका मोटिवेशन बहुत अच्छा है जी। एक आपकी प्रैक्टिस को भी वो आपको भी लगता है कि हाँ मैं कुछ तो सही कर रहा हूँ, तब लोग हाँ। उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। जी हाँ, ये अवार्ड सम्मान ये आपको प्रोत्साहित करते हैं कि जो कदम आपने उठाया है वो कहीं ना कहीं सही है, जिस मुहिम को आप लेकर चले थे वो कहीं ना कहीं सफल हो रही है। नवदीप, अपने खेत पर आपने क्या नई टेक्नोलॉजी यूज की, किस तरीके से टेक्नोलॉजी का काम में लेकर आप अपनी सफलता को मानते हैं कि इन टेक्नोलॉजी कारण मैं सफल हो पाया हूँ? जी जब मैंने खेती करने का सोचा था तो मेरा यही था कि जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो पाएगी अपने यहाँ पे मैं उसको यूज करूंगा। तो शुरुआत की, जैसे सबसे पहले मैंने इसका स्टार्ट किया, मुझे पौधे जो मैंने लिए हैं वो टिश्यू कल्चर के पौधे। जी, टिश्यू कल्चर का ये है कि उनको एक क्लोज लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है, तो ये गारंटी है कि जब तक पौधा वहां से निकलेगा आपके खेत पे आएगा तब तक उसके अंदर कोई रोग नहीं है। जी, जैसे अनार में एक बहुत ही पॉपुलर तरीका और है पौधे तैयार करने का, वो है गुट्टी का। जी, तो गुट्टी में ये है कि जिस पौधे पे गुट्टी तैयार की है आपने, अगर उसके अंदर कोई बीमारी है तो उन गुट्टी के अंदर भी आ जाएगी। जी, अब राजस्थान में भी जैसे अनार की जो सबसे बड़ी खतरनाक बीमारी जिसको तेलिया बोलते हैं, बैक्टीरियल ब्लाइट, जिसको अनार का कैंसर भी बोला जाता है, वो कभी राजस्थान में था ही नहीं, बट महाराष्ट्र में कहीं स्टार्ट हुआ ही है, और वहीं से गुट्टी के पौधे कुछ किसान यहाँ पे लेके आए और वो अपने एरिया में भी फैल गई है। तो इसीलिए मैंने टिश्यू कल्चर के पौधे लिए, तो कम से कम मुझे डिजीज फ्री पौधे मिलेंगे। जी। उसके बाद मैं इसको क्लोज प्लांटेशन पे गया, मैंने अनार के पौधे से पौधे की दूरी को 7 फिट पे किया, जो 9 फिट 10 फिट 12 फिट पे लोग कर रहे हैं। तो क्लोज डेंसिटी प्लांटेशन भी एक बहुत ही अच्छी टेक्निक आ रही है कि कम एकड़ में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन और रेवेन्यू कैसे लिया जाए। अब अगर आपको क्लोज डेंसिटी में अगर प्लांटेशन करना है तो सबसे ज्यादा उसमें जरूरत हो जाती है न्यूट्रिशन मैनेजमेंट की, और दूसरा कैनोपी मैनेजमेंट की, कि आप अनार की कैनोपी कैसे रखेंगे कि दो पौधे आपस में नहीं टकराए और उससे आप मैक्सिमम फ्रूट कैसे ले पाएं। इसके बाद जो मेरे पानी देने का तरीका है, तो मैं अपने ट्यूबवेल से पानी को फार्म पॉन्ड के अंदर रहता हूँ, मैंने एक खेत तलाई बना रखी है उसके अंदर मैं पानी इकट्ठा करता हूँ, कि कभी ट्यूबवेल की मोटर खराब भी हो जाए तो मेरे पास 5-7-10 दिन का पानी उसके अंदर जमा रहता है, उसमें 25 लाख लीटर पानी आता है। तो और तालाब के बाद मैंने पूरा ऑटोमाइज ड्रिप सिस्टम भी कर रखा है। अब अपने यहाँ राजस्थान में लाइट्स का ये सिस्टम है कि जो एग्रीकल्चर लाइट है जी, 6 घंटे मिलती है, और 6 घंटे में भी हर हफ्ते उसका टाइम चेंज हो जाता है। तो एक टाइम ऐसा होता है कि जब जनवरी के अंदर भी आपको रात को 12 से लेकर 6 बजे तक लाइट मिल रही है जी, तो आखिर किसी ना किसी आदमी को तो वहां जाना पड़ेगा ना, और कहीं ना कहीं तो चूक हो ही सकती है रात के टाइम पे जी। तो इसीलिए उसको हमने पूरा ऑटोमाइज कर दिया है, तो स्मार्टफोन से ही वो पूरा कंट्रोल हो जाता है, तो इरिगेशन के लिए आपको किसी पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। मैंने जब ये खेत तैयार किया था तो मेरा पानी बचाने को लेके बहुत ज्यादा फोकस था कि पानी को मैं कैसे कम से कम इस्तेमाल करके करूं, तो इसके लिए मैंने बूंद बूंद सिंचाई लगाया। नवदीप, तो एक बार रोकना चाहूंगा बीच में, एक दर्शक है इस समय जो कि आपसे बात करना चाहते हैं। जी राम राम साहब। जी साहब, मैं मोहित बोल रहा हूँ करौली से। जी मोहित जी। जी मैं ऑर्गेनिक खेती शुरू करना चाहता हूँ। जी तो उसकी शुरुआत कैसे करूं? क्या उगाना चाहते हैं ऑर्गेनिक में आप? सर ऑर्गेनिक में जो भी है जैसे उगाना चाहता हूं, तो उसमें कुछ शुरुआत कैसे करनी है मेरे को तो ये मालूम करना है। जी हाँ, अगर कोई आदमी जो कि अभी तक की जो खेती कर रहा है उससे ऑर्गेनिक पे शिफ्ट होना चाहता है तो किस तरीके से उसे शुरुआत करनी चाहिए? नवदीप जी, अभी तक जैसे आप बता रहे हैं कि आप अभी श्योर नहीं है कि मुझे क्या उगाना है। जी हाँ, सबसे पहले आप ये देखें कि आपके एरिया में क्या उगाया जा सकता है, मतलब आपकी हवा, आपकी मिट्टी, आपका पानी किस चीज को सपोर्ट करता है। जी, और उसका जो मुझे सही सबसे सही तरीका जो लगता है, जो मैंने किया था, मैं सबसे पहले कृषि विभाग में गया। जी, वहां से मैंने पता किया कि इस मिट्टी या इस पानी के कॉम्बिनेशन से कौन सी फसल की जा सकती है। जी, अगर वो करें तो, और उसके बाद कृषि विज्ञान केंद्र, हर जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र है जिनका काम ही रिसर्च है, तो वो अपन को बता सकते हैं कि अपन क्या उसको ऑर्गेनिक पे कर सकते हैं।
उसके बाद मैं जब मुझे ऑर्गेनिक के टिप्स लेने थे तो मैं नई दिल्ली में पूसा यूनिवर्सिटी गया था। वहां पे कई बार उनके सेमिनार्स भी होते रहते हैं जिसमें वो बताते हैं कि ऑर्गेनिक खेती कैसे की जाए, तो वहां से हम ट्रेनिंग लेके इसको स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए, हम बात कर रहे थे टेक्नोलॉजी को, आपने किस तरीके से यूज किया खेत में, आपने बताया कि तो जैसे पानी, जैसे मैं पानी की बात कर रहा था तो मैंने सबसे पहले बूंद बूंद सिंचाई पे गया जी। अब उसके बाद भी रहता था, बूंद बूंद सिंचाई से कहते हैं कि आपका 50-60% तक पानी बच जाता है। उसके बाद मैंने अपने पौधों को बेड बना के लगाया है, तो उसमें क्या, कभी बारिश अगर ज्यादा भी हो जाए तो पानी पौधों के तने के आसपास इकट्ठा नहीं होता, पानी सारा बह जाता है। तो उसी बेड को मैंने फिर प्लास्टिक के मल्चिंग से कवर कर दिया, तो जो पानी भाप बन के उड़ जाता था वो वाटर लॉस भी मैंने रोक दिया। तो पानी, मतलब मैं जितना पानी देता हूं 95% पानी पौधे के पास ही रहता है, वो वेस्ट नहीं होता। और मल्चिंग के भी फायदे बहुत है। मल्चिंग लगाने के बाद जो सबसे बड़ा फायदा था वो ये था कि खरपतवार बिल्कुल खत्म हो गई, जिसमें बहुत ही ज्यादा कॉस्टिंग आ जाती है, लेबर बहुत लगती है और कई लोग उस पर स्प्रे मारते हैं। अब खरपतवार की जो स्प्रे है सबसे ज्यादा रासायनिक रहते हैं जी, तो वो हमारे खेत पे हम बिल्कुल यूज नहीं करते। और मल्चिंग पेपर जब हम लगा देते तो हमेशा एक अंदर अच्छी ऑप्टिमम कंडीशन बनी रहती है जड़ों के फैलाव के लिए। तो अभी भी मेरे खेत में कई बार जाता हूं मैं, कई बार मल्चिंग हटा के जब बेड को खोदता हूं तो बहुत ही अच्छा जड़ों का डेवलपमेंट दिखता है और कई बार काफी सारे कैचुए भी दिख जाते हैं क्योंकि एक बहुत ही फेवरेबल एनवायरमेंट मिल रहा है। एक और दर्शक है जो कि फोन पर है इस समय पर, आपसे रूबरू होना चाहते हैं अपने प्रश्न के साथ। जी राम राम साहब। राम राम साहब जी। सर मैं कोटा से बोल रहा हूँ, निमेश शर्मा। जी निमेश जी। मेरा एक अमरूद का बाग है जी, वो करीब 14 बीघा में है जी, और उसमें दो तरह के पेड़ हैं अभी जी। हाँ, वो उसमें L49 और इलाहाबाद सफेदा जी। तो इसको मैं क्या ऑर्गेनिक पे शिफ्ट करना चाहता हूँ टोटली, और इसमें वैल्यू एडिशन किस तरह से करें, ये पूछ रहे हैं। नवदीप जी। जी ऑर्गेनिक की अगर अपन अमरूद की बात करें तो अमरूद उतना ज्यादा डिमांडिंग पौधा नहीं है जी। उसको हम कम खर्चे और कम फर्टिलाइजर कम केमिकल देके भी आराम से उसमें अच्छी खासी फ्रूटिंग ली जा सकती है। तो अमरूद को ऑर्गेनिक पे शिफ्ट करने के लिए मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा चैलेंजेस आएंगे जी। और जहां तक प्रोसेसिंग की बात है तो अमरूद का तो गुआवा का तो पल्प भी बहुत पॉपुलर है और जूस भी बहुत पॉपुलर है जी। लेकिन ये आता है कि जब भी आपको प्रोसेसिंग यूनिट लगानी है तो एक फार्मर के लिए लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मुझे जो उसका सबसे सही तरीका लगता है, आपको एक FPO बनाना चाहिए अगर आपके एरिया में अमरूद करने वाले बहुत है। तो FPO में क्या है कि आप एक संगठन बनाते हैं जिसमें अमरूद के सारे किसानों को जोड़ते हैं, उसमें सरकार भी आपकी काफी मदद करती है, और वो FPO एक अगर प्रोडक्शन यूनिट या एक प्रोसेसिंग यूनिट लगा ले तो प्रोसेसिंग यूनिट चलाने के लिए जो प्रोडक्शन चाहिएगा वो आप सब किसानों से आ जाएगा और फिर आप उसकी मार्केटिंग करने में भी आपको ईजी रहेगा जी। आपने सोचा है अपने एरिया के लिए कुछ तरह से फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का? जी अभी हम लोग ऑलरेडी FPO की फॉर्मेलिटी स्टार्ट कर चुके हैं जी। FPO का कंप्लीट होते ही हम लोग इसकी प्रोसेसिंग में जाएंगे। अब जैसे अगर मेरे एरिया की बात करें तो सिरोही जिले के अंदर ही मतलब राजस्थान की पहली वाइनरी वहां लगी है और इंडिया की पहली अनार की वाइनरी सिरोही में लग चुकी है। तो अब धीरे धीरे इसमें प्रोसेसिंग का ट्रेंड आने लगा है, और जो मैं कह रहा हूं मैंने 500 पौधे दूसरी वैरायटी के लगाए जी, तो उसका 100% फोकस प्रोसेसिंग पे ही है। उसको लेके हम पोमोग्रेनेट ऑयल पे रिसर्च कर रहे हैं और इसी सिलसिले में मैं शोलापुर जा रहा हूं NRCP वहां प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी सीखने के लिए। किसी तरह के लाइसेंस वगैरह की जरूरत जब पड़ती है, जब ये लोग फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाते हैं, तो वो सब में आपको सहायता मिल जाती है, और कहाँ जाके आदमी उसकी सहायता ले? जी उसी के लिए, अब जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं खुद NRCP जा रहा हूँ, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ पोमोग्रेनेट जी। तो अनार से रिलेटेड जो भी अनुसंधान होते हैं, चाहे प्रोसेसिंग के हों, उगाने के हों, बीमारियों के हों, उसके लिए भारत लाइक ICR का एक इंस्टीट्यूट है शोलापुर के अंदर, तो उनके पास हर फील्ड के एक्सपर्ट बैठे हैं। तो अब जैसे मुझे भी, मैं ऐसा नहीं है कि मुझे हर चीज आती है, मुझे प्रोसेसिंग नहीं आती बट मैं सीखना चाहता हूँ, तो इसी के लिए मैं उनके पास जाके ट्रेनिंग ले रहा हूँ। तो आप कोई भी फसल लें, चाहे अमरूद लें, सीताफल लें, नींबू लें, जैसे नींबू का भी बहुत बड़ा सेंटर है नागपुर के अंदर NRCC करके, तो वहां पे आपको नींबू के लेके सारी जानकारी मिल जाती है। तो वहां पे गवर्नमेंट के अच्छे खासे साइंटिस्ट हैं जो अपनी हेल्प करेंगे। नवदीप, अगर कोई और व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करना चाहता है कृषि में, वो किसी और बिजनेस की बजाय खेती में आना चाहता है, वो चाहता है कि मैं भी नवदीप की तरह बनूं और मैं पैसा लगाने को तैयार हूं, तो उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहले कुछ टिप्स देना चाहेंगे उन्हें आप? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं जी। जैसे मैंने बताया मैं बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो काफी मतलब बिजनेस कम्युनिटी में अच्छे खासे लिंक रहते हैं जी।
तो बिजनेस कम्युनिटी में जब वो रियल एस्टेट वाला बूम चला था तो सबके पास कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बीघा जमीनें उन्होंने ले रखी है जी, तो खेत पे आते थे उनको बड़ा अच्छा लगता था, वो आके पूछते थे यार नवदीप यार बहुत अच्छा लग रहा है, पौधे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, यार मुझे भी लगाना है, अनार का पौधा कितने का आता है जी? मैंने कहा अनार का पौधा आपको 30-40 रुपए तक मिल जाता है, तो एक काम करता हूँ यार मेरी भी 50 बीघा में मैं अनार लगा देता हूँ। मैंने कहा अंकल पैसा लगाने से कुछ होना नहीं है, बिकॉज पैसे से ज्यादा आप इसको टाइम कितना दे सकते हैं, आपकी डेडिकेशन कितनी है, तो आपको रिजल्ट मिल पाएगा, वरना आप अनार लगा दोगे और 6 महीने बाद अगर आप उसको संभालने नहीं जा रहे हो तो पौधा अपना बढ़ा नहीं होगा, वो जंगली तो है नहीं जी, मतलब हो अगर वैसे लगाने हो तो आपको हो नीम है गुंधा है आप ये सब लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप फलों की टेक्निकल खेती करना चाहते हैं, अच्छे तरीके से उसको करना चाहते हैं, तो आपको उसको टाइम देना पड़ेगा, अगर आप टाइम दोगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेंगे जी। हाँ बिल्कुल सही बात है नवदीप, अगर किसी को कृषि करनी है, अगर किसी को लोगों को पोषण देना है तो उसे किसान बनना पड़ेगा, वो केवल इन्वेस्टमेंट करके लोगों को फल नहीं दे सकता, उसे किसान बनना पड़ेगा, उसे खेतों में जाना पड़ेगा, कुछ दिन वहाँ रुकना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा, मन लगाना पड़ेगा। नवदीप आप हमारे स्टूडियो में पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आगे के आपके भविष्य के लिए हम आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ देते हैं, आपको एक बार फिर से हम दोबारा बुलाएंगे आपको हमारे स्टूडियो में और फिर जानेंगे कि 30 एकड़ के बाद जब आप आगे बढ़े तो फिर क्या हुआ। धन्यवाद सुनील जी, धन्यवाद एवन टीवी, एंड बहुत बहुत बधाई आपको 200 एपिसोड पूरे करने जी, बहुत बहुत धन्यवाद नवदीप। जिस तरह से नवदीप ने बताया कि राम राम सा में आए शुभकामनाएं दे रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से हम आपको कुछ ऐसे किसानों से भी मिलाएंगे जो बता रहे हैं कि क्या देखते हैं राम राम सा में और राम राम सा उन्हें क्यों पसंद है। राम राम सा प्रोग्राम वो प्रोग्राम टाइम्स किसान विभाग से बहुत बढ़िया है और जागरूकता है इसी बारे में, कोई भी खेती है किसान वास्ते ये चैनल बहुत बढ़िया है, वो हर टाइम चालू रहना चाहिए और हम लोग उनकी लोग बहुत जागरूक हुए और आगे वाली पीढ़ी भी उनकी जागरूक रहे। एवन चैनल राम राम सा प्रोग्राम थी, एवन टीवी रे राम राम सा प्रोग्राम है नी, अंधकार कारण बहुत हकरो लागे और अन्य मैं कहूँ कर रोज में वो आव तो रहे नी तो मन जानकारी मिले। एवन टीवी के खास प्रोग्राम राम राम सा के 200वें एपिसोड पूरे होने पर हमारी तरफ से और हमारे समस्त किसान भाइयों की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। एवन टीवी की इस खास पहल में किसानों को बहुत कुछ सीखने को और समझने को मिलता है। एवन टीवी माध्यम राम राम सा प्रोग्राम आ लिया करें, वो मैं किसान लोगों के वास्ते वो बढ़िया है और वो हमें हर टाइम दे क्या करो, उनकी मन बेनिफिट भी है कि मौसम की जानकारी मिले और नवी नवी टेक्नोलॉजी री फसल के बारे में ज्ञान और डॉक्टरों री चर्चा उपयोगी बातों मन में गाइडेंस मिलिया करे। मोरी इच्छा है किसानों री कि भाई वो प्रोग्राम हमेशा वास्ते आगे चालू एवन टीवी माते रहना चाहिए जी, और मोरी गुजारिश है एवन टीवी थी, क्योंकि मैं एवन टीवी रे ही दे क्या करूँ, मोरे वास्ते एक आ टीवी फायदेमंद साबित हुई है। जी हाँ, अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे आज ही के दिन आज के समय किसी नए एक्सपर्ट के साथ किसी नए सब्जेक्ट के साथ, देखते रहिए एवन टीवी।